जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है, वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए, उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। उन्नीस से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बींग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगे, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में है। ये जो फिल्म बनाई गई है ये यकतरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दोतरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दोतरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए, इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि ये एकतरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी, ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये ज़िंदगी जीने पड़े। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है, घर जाने की उम्मीद है, घर जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता है। मुझे लगता है मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, अभी जन्मभूमि है। यह पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे श्रीनगर में, 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात 9:45 बजे था, शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गई आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो ज़ालिमों कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी, जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो, लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में, और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा, लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया, हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा नहीं किया।